मात्र विधानसभा के अंदर नहीं लड़ी जा सकती है, ये लड़ाई विधानसभा के बाहर भी लड़नी होगी। आपने इस मुल्क के अंदर देखा कि किस तरीके से जो दुनिया का बड़ा साहूकार है, बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट है, मिनसेंटो है, कारगिल है, किस तरीके से हमारी संसद के जरिए कानून पारित करने के बाद उसने वो जो ज़मीनें हैं वो किसान की, उसको हथियाने का किस तरीके से वो सिलसिला किया था, जिसके लिए 3 कानून इस मुल्क में लाए गए थे। लेकिन इस देश का किसान, जिस देश के किसान ने फरंगियों को इस मुल्क से बेदखल किया, जिन फरंगियों के दांत खट्टे किए, 1857 की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्होंने इस लड़ाई को तेज किया, और मोदी और देश का जो बड़ा जारेदार है और दुनिया का बड़ा जारेदार है उसके दांत खट्टे किए, ये 735 लोग शहीद हो गए, लेकिन जो देश का किसान है उसके खेत और खलिहान को बचा दिया। मैं जानता हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में ये इस किस्म की लड़ाई तेज होने वाली है। आप देखें कि पूरे पिछले 4 वर्षों में जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का है उसने प्रयत्न किया सरकार की दिशा को बदलने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार पूंजी के मालिक के दबाव के तहत उसने ओपीएस को बहाल नहीं किया, नई पेंशन स्कीम को चलाते रहे, जो बहुत से मसले राइडर के मसले थे उसका संविधान नहीं निकाला। जो किसान आज रीढ़ की हड्डी है, जो प्रदेश को जिंदा रखती है, उसकी जो अनुदान है धीरे धीरे समाप्त किया। 5 अगस्त को समूचा किसान हिमाचल के सचिवालय की ओर कूच किया, लेकिन वो जो समय उसने मांग रखी उसको कहा कि हमने मान लिया, यह आने वाला समय तय करेगा कि सब्सिडी बहाल होगी कि नहीं होगी। आप जानते हैं पानी खोलने वाला मात्र 41-4100 रुपया उसको दिया जाता है, सारी नौकरियां आज आउटसोर्स की जा रही है। तो ये मसले हैं लोगों के सामने, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा के अंदर नहीं लड़ी जाएगी। 4 वर्षों में कोई समय ऐसे नहीं गया, खाली नहीं गया, जब मैंने विधानसभा के अंदर दलित की आवाज को वो उजागर नहीं किया होगा। जिस समय जदान साहब की हत्या कर दी गई थी सरमौर के अंदर, उस समय मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि आज भी जो हमारा गरीब है, दलित है, उसके साथ छुआछूत होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, उसको जमीन में कुचल दिया जाता है और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है, दूसरे चुप रहे। लेकिन मैं जानता हूँ ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो पुरुष प्रधान समाज है जिसके अंदर आज भी महिला को वो पूरा जो उसका जो मानवता का जो स्थान है नहीं दिया जाता है, वो प्रश्न भी है। आप जानते हैं आज भी मनु के नियमों को लागू किया जाता है। अभी मैं नामांकन पत्र भर के आया, मैंने संविधान की कसम खाई, लोग संविधान की कसम खाते हैं लेकिन हकीकत में आज भी मनुवाद की नीतियां देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर चल रही है। ये लड़ाई है, इसलिए आसान लड़ाई नहीं है। मैं जानता हूँ उस चुनाव के अंदर मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ आज से ही जो रुपए पैसे वाले हैं, जो औजारेदारी है, वो सब मुझे हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है गरीब मेरे साथ खड़ा होगा, मेहनतकश मेरे साथ खड़ा होगा, दलित मेरे साथ खड़ा होगा, और जो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी खड़ा होगा। आने वाले समय में दोनों लड़ाइयों को मैं तेज करूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर इन नीतियों को जनता के पक्ष में तब्दील करने के लिए, और विधानसभा से बाहर जनता की एकता को कायम करते हुए इस लड़ाई को मुझे आगे ले जाना है। मैं जानता हूँ कठिन जरूर है, लेकिन कोई चीज असंभव नहीं है। मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरा विचार मुझे वो ऊर्जा देता है, दुनिया की जो असंभव चीज भी है उसको संभव बना के बनाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा का चरित्र को जहाँ हम बदल के लाएंगे, मैं भी सीख रहा था पिछले 5 वर्षों में, और सीखते सीखते
एक मौका मैं जनता से दोबारा मांगता हूं कि मुझे एक मौका दोबारा दे और मैं इस अगले 5 वर्षों में जो कमियां पिछले 5 वर्षों में रही उसका मैं आने वाले समय में उन कमियों को भी दूर करूंगा। इतनी बात कहकर यह मैं आपसे साझा करना चाह रहा। ये जो कर्मचारी वर्ग है जो लगातार धरने प्रदर्शन पर है, ये नीतियाँ 1992 में शुरू हो गई थी। ये जो विकास का रास्ता है ये आजादी के बाद 1992 तक एक पड़ाव था, 1992 के बाद दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। ये दूसरे नहीं बोलेंगे, फूल वाले नहीं बोलते हैं, हाथ वाले नहीं बोलते हैं, यह हकीकत सच्चाई लोगों के सामने नहीं रखते हैं। लेकिन 1992 के 10 साल बाद 2001 तक वो नीतियां जो नव उदारवाद की थी, जिन्होंने ग्रहण लगा दिया था सारी सेवाओं पर, उस समय में